2121, that's the number of the episode. 2121st episode of Nagpur is most happening. Facebook live show, show ka naam hai Aaj Ki Baat, Women of the Year ke saath. I really want to thank Parekh Brother Jewelers presenting Aaj Ki Baat, Women of the Year in association with Pehnava Boutique, Stylux Kitchens and Wardrobes, We Herbs. A big thank you to We Glow with Vasudha Agrawal, who's one of the best makeup artists in the city, and also Four Seasons, home furnishing store hai. Aapko parde chahiye, aapko tauliye chahiye, aapko ghar ke liye wallpapers chahiye, aapko ghar ko sundar banana hai, to aapko Four Seasons Dharampet aana hai. Hamari aaj ki ek mehman badi special hai, special karanon se ki pehle to ye ki is interview ke liye wo 3 ghanta travel karke aayi hai, to uske liye घर बैठे आप ताली बजा सकते हैं. दूसरा ये कि वो कुछ वर्षों से एक ऐसा काम कर रही है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि त्योहारों में, शादियों में या कोई ऐसे स्पेशल फंक्शंस में आपके घर के बाहर जो डेकोरेशन है उसमें चार चांद लग जाते हैं. क्या है ये, समझते हैं उनसे जो इस चीज की एक्सपर्ट है, हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर. प्लीज वेलकम सारिका सूचक मैम. मैम नमस्ते. नमस्ते मैम, स्वागत आपका आज की बात में. तो 3 घंटा ट्रैवल करके आई, तो बस में बैठे बैठे आई, सोते सोते आई या ट्रेन से आई, कैसे आई? बस से आई. बस से आई जी. रास्ता कैसा है? ठीक है. आप छत्तीसगढ़ से हैं जी. जन्म आपका वहीं हुआ? कहाँ जन्म हुआ? ऐसे जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ. ओके. पर पापा फिर उधर शिफ्ट. अच्छा, शिफ्ट हुए जी. तो फिर आप मतलब आप बड़ी वहीं हुई जी, और उसके बाद फिर वापस महाराष्ट्र आ गई जी. तो मतलब महाराष्ट्र से आपसे छूटने नहीं वाला? नहीं नहीं. ठीक है. ओके. क्या किस किस्म का जीवन रहा है और आप जो काम कर रही हैं उसके बारे में बताइए. मैं मिडिल क्लास से ही हूँ और मिडिल क्लास फैमिली में ही मेरी शादी हुई है. बट ऐसा नहीं था कि पैसे के लिए कभी काम करें. मेरे को पहले से ही सारी चीजों का शौक, इंटरेस्ट, डेकोरेटिव चीज मुझे अट्रैक्ट करती है जी. कुछ भी नया देखना, सीखना मुझे बहुत पसंद है पहले से ही. हाँ, और जो शादी के दुपट्टे डेकोरेशन में काफी टाइम से कर रही थी जी. घर के काम करके थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करती थी जी. पर अब 2 साल से मैं जो रेडी रंगोली बना रही हूँ उसको मतलब मैं और आगे ले जाना चाहती हूँ. उसका रिस्पांस भी काफी अच्छा है मुझे. ओके. नहीं, ये जो पहले जो दुपट्टा वाला जो काम आपने शुरू किया शादी के दुपट्टा, तो इसके लिए क्या मतलब जो कपड़ा है वो आप बाहर से लाती थी और उसके ऊपर जो पेंट होता है वो? जहाँ मैं रहती हूँ वो छोटा सा गांव है, वहाँ सारी चीजें अवेलेबल नहीं है. फिर तो मोस्टली हमारे कस्टमर ऐसे हैं कि सारा मटेरियल भेजते हैं. अच्छा. हम सिर्फ मेकिंग चार्ज. ओके. हाँ. तो आप सिर्फ बना के देती हैं जी. तो उसके लिए फिर जो चीजें लगती है वो फिर कैसे करती? वो सारी चीजें वही ला कर देते हैं. अच्छा. हाँ, मतलब सिर्फ तो आप उनको लिस्ट बना के देती हूँ मुझे ये 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 चाहिए. हाँ, आप लाके दीजिए. लाके दीजिए. ओके. आप अपना बजट के हिसाब से कम ज्यादा आपको जो जैसा लाएंगे उसमें जो जितना अच्छा बेस्ट बन सकता है उतना अच्छा मैं बेस्ट बना दूंगी. तो जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि वो बहुत मूडी होते हैं. आप मूडी हो? आपकी हंसी बता दी मेरे को. आप बहुत खतरनाक मूडी है मतलब. ओके. लेकिन फिर जब काम आता है ना, तो घर का और काम, घर में कौन कौन है और आप कैसे बैलेंस करती हैं इसको? 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है और छोटा बेटा है, हस्बैंड है, और ऐसे जॉइंट फैमिली है. 35 मेंबर एक ही घर में है. अरे वाह, 35 मेंबर. पहले इसके बारे में बात करेंगे. 35 मेंबर एक साथ रहते हैं तो कैसे लगता है? जी, अच्छा लगता है. टाइम पास के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता. पार्टी घर में ही हो जाती है, बाहर बुलाने की जरूरत नहीं. बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं होती. फैमिली मेंबर ही इतने होते हैं. छोटे बड़े फंक्शन इतने ग्रैंड तरीके से हो जाते हैं. सपोर्ट हो जाता है. कभी आप बीमार है, कभी बाहर गए. जैसे मैं अभी बाहर आई हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड और बच्चे की फिक्र नहीं है. अच्छा, मुझे ये जरूर जानना है आपसे कि वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, ये जो फैमिलीज हैं इन्होंने अभी भी कहीं ना कहीं ज्वाइंट फैमिलीज को पकड़ के रखा है एक दूसरे को. तो उसके बारे में क्या सोचती हैं आप?
मैं ये सोचती हूँ कि फ्रीडम अगर दें आप किसी को भी तो वो हर जगह रह सकता है, फिर 100 मेंबर क्यों ना हो। आप बोलने की फ्रीडम दीजिए, अपने हिसाब से जीने की फ्रीडम दीजिए, फिर वो आसानी से आपके साथ समझदारी से रहेगा। बिल्कुल सही बात जी। तो जब ये काम मिलते हैं आपको तो कोई और भी सपोर्ट करता है फैमिली में आपको? हाँ, क्या अकेले करती हैं? हाँ, नहीं, बनाती तो मैं खुद ही हूँ, बट फैमिली मेंबर्स ऐसे सपोर्ट करते हैं कि ठीक है छोटा मोटा काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और अब किचन सेपरेट इसीलिए कर लिया कि कल को ऐसा ना हो कि मैं अपने हिसाब से सेट कर सकूं। जी जी जी, ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अच्छा, अब क्योंकि वो काम से अब आप ये जो आपने रंगोली वाला काम चालू किया, इसको क्या कहते हैं? रेडी रंगोली। रेडी रंगोली, ये रेडी रंगोली क्या होती है? मतलब रंगोली सुना है, बैठ के बनाती है? रियल रंगोली से ही जो बैठ के बनाती है लेडीज, कई बार आजकल जॉब करने वाली लेडीज है, आज की न्यू जनरेशन को नहीं आता। आपको पता है मैं छोटा था ना तो अपने घर में दिवाली के टाइम रंगोली मैं ही बनाता था। हाँ, तो मुझे वो पेन पता है रंगोली बनाने के पीछे का। जी, और आजकल नीचे बैठ के उतना टाइम नहीं, नहीं होता है। सही बात है, और जगह कम हो गई जी, रंगोलियां छोटी हो गई, छोटी हो गई जी। अब ये ऐसा है कि रेडी रंगोली आ गई, रियल रंगोली होती है, हम उसको स्टिक कर देते हैं, तो आप जहाँ चाहे जैसे चाहे उसको स्टिक करके रीयूज भी कर सकते हैं। तो वो नेचुरल दिखती है या फिर वो आर्टिफिशियल दिखती है? नहीं नहीं, नेचुरल ही दिखती है। अच्छा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने खुद ने बनाई है कि रेडी स्टिक की है। बस इतना है कि पहले जैसे अगर बच्चे खेलने में आते मिटा देते तो रंग मिट जाता था, अब नहीं मिटा सकते, अब नहीं मिटा उसके ऊपर से चले जाए। अब बॉल आया तो वो खराब नहीं होगी, अब आप डांट नहीं सकते बच्चों को। ओके ओके। और ये जो काम है ये अपने आप में बड़ा यूनिक काम है, तो इसके लिए तो मतलब आप अपने आप को पॉपुलर कैसे करती है? इंस्टाग्राम पे उसकी फोटोज डालती है, फेसबुक पे डालती है, कुछ ऐसा है? मुझे इतना फोन यूज करना नहीं आता। ओके ओके, तो फिर पॉपुलर कैसे करती है खुद को? मेरी ननंद है, एक नागपुर में है, एक सावनेर में है, मतलब काफी है, तो वो सब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपके काम को लोगों तक पहुंचाते हैं? जी, जैसे उनके जानने वाले हैं नागपुर में, जैसे उनके पहचानने वाले हैं, उनके साथ जो उठते बैठते हैं वो उनको बोलते हैं कि मेरी भाभी ये चीजें बनाती है। हाँ, तो वो ऐसे धीरे धीरे फिर जैसे जिन्होंने लिया उनके घर में किसी ने देखा फिर उन्होंने फिर से ऑर्डर किया, इस तरीके से काफी अच्छा रिस्पॉन्स 2 साल से अच्छा लगता है। और लोहाना महिला समाज के साथ आप कब जुड़ी और एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं 5 साल से ज्वाइन में हूँ। हाँ, आंटी का अच्छा खासा सपोर्ट है जी, हिमा बेन का जी, और बहुत इंकरेज करने लगी कि आप आइए, थोड़ा सा माहौल देखिए, समझिए और आपको क्या फील करते हैं, हाँ वो सब बताइए। ऐसा तो आपने उनको कभी बोला नहीं मुझे 3 घंटा आना पड़ता है? नहीं बताया, बट घर में शादी भी है जी। फिर भी वो बोले कि नहीं अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। सही बात, सही बात। हाँ। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए कि सारिका जी, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपके काम को कितना अप्रिशिएट करते हैं? बहुत ज्यादा, इतना सपोर्ट है कि कभी खाना बनाने में लेट भी हो जाता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, वेट करते हैं कि मम्मा बनाएगी और सब साथ में बैठ के खाएंगे। लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर रहा, ठीक है, तो गलत मत लीजिएगा मेरी बात को, लेकिन जैसे शहरों में जोमैटो जैसी सुविधा है जहाँ पर आप अपने फोन के माध्यम से तुरंत में खाना बुला सकते हो, है ना, जहाँ से आप आती हैं सिंधीवाई, है ना? हाँ, सिंधीवाई से। तो सिंधीवाई में मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जोमैटो पहुंचा नहीं है, नहीं है ना, तो वहां पर तो ऐसा होता होगा कि काम में आप अगर मशरूफ हैं और थोड़ा सा आप काम में व्यस्त हो गई और भूल गई कि बनाना था, तो फिर तो सबको इंतजार करना पड़ता होगा, नहीं? हाँ, करना भी पड़ता है, और जिम्मेदारी फर्स्ट, खाना पहले बना के रख दिया तो टेंशन फ्री हो जाते हैं, पर परोस वो खुद ही लेते हैं जी, सब सेल्फ सेल्फ सर्विस। हाँ हाँ, ये तो सिर्फ रात को सब साथ में बैठते हैं तब गरम। हाँ, दिन में ऐसा कोई रूल नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं जी, नहीं। अच्छा, अब क्योंकि यू नो आपका काम एक यूनिक कैटेगरी का काम है, स्थापित भी हो रही है, धीरे धीरे काम पड़ रहा है, बट किसी ने आपसे क्यों कांटेक्ट करना चाहिए? अगर आज क्योंकि नागपुर की जनता ये शो देखेगी, दुनिया भर में लोग ये शो को देखेंगे, तो आप उनसे क्या कहना चाहती हैं, क्यों वो रेडीमेड रंगोली के लिए सारिका सूचक से कांटेक्ट करें? वो इसलिए कि आजकल जॉब वाले जो है उनके पास टाइम नहीं है,
और न्यू जनरेशन को आता भी नहीं होगा जी, और आपका टाइम बहुत बचता है जी। जो मैं आपको रेडी करके देती हूँ, आपने नीचे एक बेस डाला, उसके ऊपर उसको रखा जी। आपका काम फिनिश, जो एक डेढ़ दो घंटे लगते हैं जी, रंगोली डालने को, फिनिशिंग करने को, आउटलाइन करने को, वो सारा काम आपका सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो सकता है जी। जी जी, और क्या साइज की रंगोलियां बनाती हैं? A4 और A3। यस सुपर। कितनी महंगी है? कौन है ये जो अफवाह फैला रहा है कि आपकी रंगोलियां बहुत महंगी है? नहीं, 25 रुपए से स्टार्ट है और सबसे महंगी लास्ट दिवाली को मैंने लक्ष्मी जी बनाए थे वो 1100 के। वो 1100 के जी। तो उन्होंने मतलब रंगोली के साथ साथ उन्होंने एक्स्ट्रा कुंदन वर्क या इस टाइप का कहा था, इसलिए किया था। तो एक रंगोली अगर A4 साइज की होती है तो कितना वक्त देना पड़ता है? टाइम तो काफी लगता है। तो दो तीन दिन लगते हैं। एक कलर को फेमिकॉल से बनाओ, उसको सुखाओ, फिर उसमें फिनिशिंग दो, फिर दूसरे कलर डालो। कटिंग होती है, आउटलाइन होती है, फिनिशिंग होती है, 3 दिन लग जाता है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि मैं जब छोटा था तो मेरी दादी मेरे को बोलती थी ये चीज, और मैंने तभी से खुद ही रंगोली बनाना शुरू किया। वो मेरे को कहती थी दिवाली के दिन पानी वानी मारो, वो खराटे से पूरा साफ जी, करो जी। है ना, उसको सूखने दो हाँ। और उसके बाद फिर वहां पे रंगोली डालो हाँ, वो ज्यादा सुंदर दिखती है हाँ, और वो रंगोली डालने के बाद दिया लगाओ और लक्ष्मी माँ उस दिन सैर सपाटे पे निकलती हैं तो खुश हो जाती है ना, तो जैसे देखती है कि अरे सुंदर रंगोली दिया लगा हुआ है तो वो उस घर में एंटर कर देती है। ये कल्चर कहीं ना कहीं खत्म हुआ है वक्त के साथ? नहीं, कहीं बहुत अभी भी मान्यता है, कम हुआ होगा हाँ? बट है हाँ? मैं देखती हूँ लोग लेते हैं, क्रेजी होके लेते हैं, तो ये कल्चर खत्म नहीं हुआ है एक्चुअली। या तो वो प्रॉब्लम में है, डाल नहीं पा रहे हैं, या आ नहीं रहा है, बट ये चीज यूज कर रहे हैं, मतलब मन में है, दिल में है बात। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंगारी जिंदा है। यस, तो वो उम्मीद है कि जिन जिन महिलाओं के दिल में या जिन यू नो सीनियर मेंबर्स के दिल में ये जो चिंगारी अभी भी जली हुई है हमारे संस्कारों की, वो यू नो वो उसे फॉलो करें और रेडीमेड रंगोली के लिए आपसे कांटेक्ट करें, है ना। आप यहाँ पर आए, उसके लिए मैं आपको जितना धन्यवाद दूं मुझे ऐसा लगता है कम है, लेकिन थैंक यू सो मच सारिका जी, आप आई, आपने अपना वक्त दिया और यू आर ट्रूली अ वुमेन ऑफ द ईयर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सुपर। सारिका सूचक मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। मेरे वो दिन याद आ गया जब मैं बैठ के छोटा था तब यू नो रंगोली बनाया करता था। लेकिन एक हकीकत जो है वो ये है कि हमारे संस्कारों में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं, कैसी कितनी अच्छी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो वाकई में हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे सोचिए, अगर आप एक आदमी काम पे निकल रहा है सुबह सुबह, जब वो अपने घर के बाहर रंगोली देखे, एक दिया जलता हुआ देखे, कितनी पॉजिटिविटी मिलती है। कोई आ रहा है और वो आकर जब एक खूबसूरत रंगोली देखे और यू नो उस घर में जब वो एंटर कर रहा है तो उसके मन में कितनी पॉजिटिविटी आएगी कि इस घर में जो लोग हैं वो यू नो, क्योंकि रंगोली एक प्रतीक है स्वागत करने का भी। उम्मीद है कि अगर आपके मन में भी वो चाह, वो मन में वो बात, वो चिंगारी अभी भी एज पर सारिका जी, वो चिंगारी अभी भी है तो आप सारिका सूचक मैम से ज़रूर कांटेक्ट करें, उनकी रेडीमेड रंगोलियां ज़रूर खरीदें और स्पेशली लक्ष्मी वाली जो रंगोली है वो ज़रूर खरीदें, है ना, और ज़िंदा रहें। जय हिंद।